नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल सरकार के द्वारा स्थापित एक ऐसा चैनल है जहां पे आप ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस और लेक्चर देख और सुन सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने अपने इस चैनल पे स्वयं प्रभा के बारे में एक वीडियो बनाया था कि आप उसका एक डाउनलोड करके कैसे वहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने यह भी बताया था कि इस ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके चलते वह ऐप सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है, इसका मैंने पहले भी आपको सूचना दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस एक टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है, अब आप आसानी से स्वयं प्रभा ऐप के जरिए DLED कर सकते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बताने वाले हैं कि आप ऐप कैसे डाउनलोड करें और वहां से किस तरह से आप वहां का लेक्चर सुन सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप स्वयं प्रभा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका वेबसाइट है www.swayamprabha.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप सीधे तौर पे यहाँ से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इसके मेनू में आप यहाँ पे देख रहे हैं थ्री लाइनिंग जो दिख रहा है, ये आपका मेनू है। मोबाइल में आप इसी तरह से खोल के देखेंगे, इस मेनू पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑप्शन, यानी इस डाउनलोड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर के जरिए डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में स्वयं प्रभा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आप डायरेक्ट मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर खोलिए और प्ले स्टोर में लिखिए, यहाँ पर सर्च कीजिए स्वयं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जैसे ही लिख के सर्च करेंगे ऊपर में ही आइकॉन के साथ इसका सिंबल जो है स्वयं प्रभा, उसके साथ स्वयं प्रभा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, मैं ऑलरेडी अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा रहा हूँ। चलिए ओपन करके देख लेते हैं। जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुलता है। ओपन करने के साथ ही आप देखिए यहाँ पर आपको ढेर प्रकार के चैनल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप नीचे करके देखते जाइए, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, इसी तरह करते जाइए। नीचे आपको आपका DLED जो चैनल मिलेगा वो है 32 नंबर का चैनल, आप नीचे आइए, आपको दिखा दे रहा हूँ, आप नीचे आइए देखिए, ये आ गया चैनल 28 और नीचे आते हैं, हाँ आ गया चैनल 32। यहाँ पे देखिए टीचर एजुकेशन चैनल नंबर 32, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप DLED का टोटल लेक्चर यहाँ पे सुन सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह ऐप जो है आप हमेशा कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब मन चाहे तब यूज कर सकते हैं। आप इसमें TV के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी है वहाँ अपने इंटरनेट एक्सेस के जरिए यहाँ से आप इस ऐप के जरिए स्वयं प्रभा चैनल का लेक्चर सुन सकते हैं और आसानी से DLED का पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चैनल नंबर 32 में आप देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक है आर्काइव का, दूसरा है करेंट का और आगे है अपकमिंग का। यानी आर्काइव का मतलब ये हुआ कि इस एक दिन पहले तक जो भी स्वयं प्रभा चैनल पे वीडियो प्रसारित हुआ है वो यहाँ पे आपको आर्काइव के अंतर्गत मिलेगा। करेंट के अंतर्गत तो उस डेट में यानी सेम डेट में जो स्वयं प्रभा के ऊपर चल रहा होता है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके बाद अपकमिंग में है कि आने वाले दिनों में कौन सा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो अपकमिंग के अंतर्गत यहाँ पे आपको शो करेगा। लेकिन ये आपको यहाँ पे करेंट और अपकमिंग दोनों को छोड़ देना है, आपको जाना है आर्काइव पर। आप आर्काइव पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको पिछले दिनों का मतलब एक दिन पहले तक का जो भी वीडियो आप यहाँ पर स्वयं प्रभा पे प्रसारित किया गया है वो इस ऐप पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, आज 25 तारीख है तो यहाँ पे 24/11/2017 तक का जो भी वीडियो स्वयं प्रभा पे लेक्चर दिया गया है वो सब यहाँ पे लोड है। यहाँ पे आप देखिए इस लिस्ट में आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे, आप जो लैंग्वेज में लेक्चर देखना चाहे वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑप्शन है कोना में ऊपर, आप देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में लेक्चर देखना चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापनीज है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दो ही लेक्चर में, दो ही भाषा में लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर अन्य भाषा में लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको निराशा हाथ लगेगी, यहाँ पे दो ही भाषा में लेक्चर दिया गया है अभी तक, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए हिंदी और फिर यहाँ पे ओके कीजिए और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टोटल लेक्चर जो है हिंदी में यहाँ पे दिखेगा। तो आप जैसे कल यहाँ पे प्रसारित किया गया है एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ डिवाइन चिल्ड्रेन,
तो यहाँ पे आप यह देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे है शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये देख सकते हैं। उसके बाद है एनसीईआरटी की भूमिका हिंदी में, ये सब हिंदी में है, यानी फ़िल्टर करके आप हिंदी लैंग्वेज चुने हैं तो यहाँ से आपको टोटल हिंदी में लेक्चर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मान के चलिए आप देखना चाहते हैं शिक्षा के मौलिक अधिकार, तो इस रेड बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर देखिए वीडियो ऑप्शन खुला है, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इस ऐतिहासिक निर्णय ने आज हमको और आपको यहाँ पर तो जी हाँ, चर्चा देखा करने दोस्तों के लिए आपने, यहाँ पे वो सारे लेक्चर जी। आपको सेम टू सेम यहाँ पे सुप्रीम आपको कोर्ट मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल पे जब ने चाहे इस जब पूरे संदर्भ जहाँ को चाहे डिफरेंट इसका आनंद उठा एक सकते हैं अलग और यहाँ से परिप्रेक्ष्य लाभ में ले देखा और ये सकते कहा हैं। कि तो बस शिक्षा इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो पहले स्वयं प्रभा ऐप आपने मोबाइल में डाउनलोड किया था और वो काम नहीं कर रहा था, बहुत लोग उनको अनइंस्टॉल कर दिए थे, तो उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। यहाँ से आप फिर से स्वयं प्रभा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और जब चाहे जहाँ चाहे आप डीएलएड का वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। अगर आप डीएलएड के अलावे भी और कोई कोर्स कर रहे हैं तो स्वयं प्रभा पे उसका भी लेक्चर यहाँ पे प्रसारित किया जाता है। आप उस चैनल को सर्च कर लीजिए और जो भी आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आसानी से देख और सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।